नेक्स्ट है वेशभूषा कहें हम इसे या अनुशासन कहें, तो देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को क्या होता था, अनुशासन का पालन करना होता, यानी अपनी वेशभूषा निर्धारित थी, प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग वेशभूषा निर्धारित की थी। कई बार वेशभूषा से हमें प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को मेखला या यज्ञोपवीत धारण करना होता था, यानी प्रत्येक वर्ग के लिए मेखला और यज्ञोपवीत की अलग अलग व्यवस्था थी। तो आपको कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि यह पहनावा किसका है, तो जो मेखला होती है जिसे हम पहनावा बोलते हैं, जो शरीर को अंगों को यानी हमारे शारीरिक अंगों को ढकने के लिए होता है, पहनावा होता है। तो जो मेखला का जो था वो ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्रों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो उनके लिए अलग अलग थी। यानी जो ब्राह्मण थे वो मूंज की मेखला को धारण करते थे। कई बार प्रश्न पूछा गया कि मूंज की मेखला धारण करते थे, और जो क्षत्रिय लोग थे यानी क्षत्रिय वर्ग था वो टाट की मेखला धारण करते थे, और वैश्य वर्ग था जो ऊन की मेखला धारण करते थे। और इसी में आता है हम सीधे बढ़ते हैं सीक्वेंस में यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत एक ऐसा वस्त्र होता है जो शरीर के ऊपरी भाग को ढकता है, और जो हमारी वेशभूषा या पहनावा जो मेखला होती है वो शरीर के निचले भाग को ढकती है, ये भी प्रश्न में पूछा गया था। तो देखिए यज्ञोपवीत जो कि ब्राह्मण के लिए सन निर्धारित किया गया था, यानी सन का उपयोग करते थे, और जो क्षत्रिय वर्ग था वो रेशम का, और वैश्य वर्ग यानी ऊन का ही प्रयोग करते थे जो यज्ञोपवीत धारण करते थे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस में शरीर के निचले भाग के लिए, यानी जो शरीर का निचले भाग था उसके लिए जो यूज करते थे, यानी क्षत्रिय थे जो काले नर हिरण की खाल का यूज करते थे, यानी शरीर के निचले भाग को ढकने के लिए जो ब्राह्मण लोग हैं वो वैदिक कालीन में काले नर हिरण का प्रयोग करते थे उसकी खाल का, और जो क्षत्रिय लोग थे वो धब्बेदार हिरण की खाल का प्रयोग करते थे। प्रश्न एज इट इज पूछा गया कि धब्बेदार खाल की प्रयोग करते थे किस काल में, और जो शूद्र लोग होते थे शूद्र के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं थी, जो वैश्य लोग होते थे वैश्य लोग थे वो बकरे की खाल का प्रयोग करते थे। इसी तरह सभी के लिए लाठी की व्यवस्था अलग अलग थी। तो देखिए लाठी जो व्यवस्था थी, यानी जो ब्राह्मण वर्ग थे वो बेल या पलाश की लाठी का उपयोग करते थे, और जो क्षत्रिय वर्ग था वो पीलू की लाठी का प्रयोग करते थे, और जो वैश्य वर्ग था वो पीलू का भी लाठी का प्रयोग करते थे। और सभी की लाठी का जो लंबाई है वो अलग अलग थी, यानी सभी वर्ग के अनुसार निर्धारित की गई थी। इसलिए जो ब्राह्मण थे यानी ब्राह्मण वर्ग में जो लाठी का उपयोग करते थे उनकी लंबाई सिर तक होती थी, और जो क्षत्रिय वर्ग था उसके जो सिर लंबाई लाठी की मुख तक होती थी, जबकि वैश्य के लिए जो लंबाई थी नाभि तक निर्धारित की गई थी। ये सभी कठोर अनुशासन थे, इनका प्रयोग करना होता था। मित्रों सेकंड आता है आपका बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें से प्रश्न एज इट इज बनते हैं कि बौद्ध दर्शन के प्रमुख प्रेरिता कौन हैं। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध दर्शन के जो प्रमुख प्रेरिता हैं वो भगवान बुद्ध या जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। और भगवान बुद्ध ने, अगर ऐसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि भगवान बुद्ध ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो आपको याद रखना है अपने दिमाग में या अपनी स्मृति में इस तरह इसे स्थापित कीजिए कि भगवान बुद्ध ने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की थी, यानी भगवान बुद्ध ने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की थी, अपितु उनके शिष्यों ने उनके जो उपदेश दिए थे यानी उनके उपदेशों को संग्रहित करके अनेक ग्रंथ या टीकाओं में उन्हें संग्रहित कर लिया था और उन्हें लिखा था। तो जिन्हें टीकाएँ थीं जो इन्हें त्रिपिटक कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, त्रिपिटक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है त्रिपिटक किस ग्रंथ का घर है या किस वर्ल्ड का ग्रंथ है, तो आपको बताना है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का है, और त्रिपिटक जो है यानी बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं उसमें वर्णन करता है, और जिसमें पिटक का अर्थ होता है पेटी आदि की रचना की थी, जिसमें आपका विनय पटक है, सुत्ति पटक है और अधिगम पिटक है। ये इससे एज इट इज प्रश्न पूछ लिया गया था, और इसमें चार ऑप्शन में दिए थे। ये ऑप्शन यानी कौन सा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, विनय पटक, सुत्ति पटक और अधिगम पटक, इस तरह एक अलग ऑप्शन दिया था। तो इस तरह ये प्रश्न एज इट इज पूछा गया था। तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में चार आर्य सत्य बताए थे, यानी बुद्ध के चार आर्य सत्य क्या हैं ये भी पूछ लिया जाता है, या सत्य कितने होते हैं आर्य सत्य। तो आर्य सत्य का अर्थ होता है यानी उत्तम, शुभ और सर्वोत्कृष्ट, यानी एक ऐसा विचार या ऐसा सत्य जो उत्तम हो, शुभ हो, सभी के लिए सर्वोत्कृष्ट हो। जो प्रथम था यह संसार दुखमय है, यानी जो आर्य सत्य बताए थे गौतम बुद्ध ने, जो प्रथम था वो था यह संसार दुखों का कारण है यानी दुखीमयी है। सेकंड था बताया था इसका जो द्वितीय था
संसार में दुखों का कारण अभी यानी अज्ञान है, यानी जो संसार में जो सबसे प्रमुख कारण है दुखों का जो अज्ञान है, और अगर इसका निवारण करें तो हम अज्ञानता को दूर करना होगा। तृतीय कारण जो था यानी तृतीय जिसका आर्य सत्य जो थे, सांसारिक दुखों का नाश किया जा सकता है यदि हम राग द्वेष काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें। तृतीय आर्य सत्य ये बताया था कि, और सेकंड तो यही था कि संसार में जो सबसे जो दुख हैं उनका कारण अज्ञान ही है, और इसे दूर भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? थर्ड में ये बताया गया था कि यदि हम अपने राग द्वेष और काम क्रोध पर यदि हम अगर विजय प्राप्त कर लें तो हम इन दोषों से यानी इस दोष से जो दुख के कारण होते हैं उनसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और चतुर्थ आर्य सत्य यह बताया गया था कि दुखों का नाश हेतु उपाय जो है, यानी आप अपने दुखों के नाश हेतु जो उपाय बताया था उन्होंने अष्टांग मार्ग है, तो अष्टांग मार्ग एज इट इज पूछ लिया गया था कि अष्टांग मार्ग किस ग्रंथ या किस धर्म का है, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म में जो अष्ट मार्ग बताए थे गौतम बुद्ध ने जो दुखों के कारण के निवारण हेतु या उपाय के रूप में, उन्हें हम अष्टांग मार्ग कहते हैं, यह भी बताया था। तो इसमें होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आपके आठ अष्टांगी मार्ग कहलाते हैं, इनका आपको पालन करना होता है। नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा, यानी जो बौद्ध काल था उसमें शिक्षा कहाँ पर प्रदान की जाती थी, उसकी शिक्षा व्यवस्था की थी क्या थी? तो देखिए जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वो मठों एवं व्यवहारों में प्रदान की जाती, यानी मठ एवं बिहार बोलते हैं हम उन्हें, बिहार जो कि शिक्षा के केंद्र थे, यानी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र अगर पूछे जाएँ तो मठ और बिहार थे। और जो कि अगला पॉइंट है बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश की अवधि, अगर प्रश्न में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश की अवधि थी, तो बौद्धकालीन में जो शिक्षा की अवधि थी वो 6 वर्ष थी, यानी प्रारंभिक शिक्षा प्रवेश आयु 6 वर्ष थी, या प्रारंभिक शिक्षा कह लो या प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट है बालक प्रथम 6 माह में सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी का अध्ययन करता था, इसमें 12 अध्याय एवं 49 यानी 49 वर्ड होते थे। ये एज इट इज पूछा गया था प्रश्न 2015 में, एज इट इज पूछा गया था कि सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन किया जाता है, तो सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन बौद्ध दर्शन में किया जाता है, और इसमें अध्याय भी पूछे गए थे यूटेट में कि इसमें कितने अध्याय होते हैं और कितने माह में की आयु में किया जाता है। ये 6 माह में यानी प्रवेश के प्रथम 6 माह में, प्रवेश ले लिया उसके 6 माह में, फर्स्ट 6 माह में बालक जो था सिद्धरस्तु नामक एक बाल पोती होती थी उससे का अध्ययन करता था। अगर उसमें अध्यायों की संख्या पूछी जाए तो इसमें अध्याय 12 होते थे, अगर इसमें वर्णों की संख्या पूछी जाए या अक्षरों की संख्या पूछी जाए तो ये इसमें 49 अक्षर थे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये, और सभी बिंदु हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी बिंदुओं को काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर श्रृंखलित किया है, जो आपके एग्जाम में आपको लगभग 80 से 80 ही दिलाएंगे, क्योंकि हम 80 के अंक की तैयारी कर रहे हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश यानी जो प्रवेश होता था, यानी प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा में जो प्रवेश किया जाता था तो वो पवज्जा कहते हैं उसे, और प्रवज्जा भी कहते हैं, यानी पवज्जा या हम कह लो या प्रवज्जा, नाम एक ही है, आपको याद रखना है, कई अलग अलग मिल जाता है पुस्तकों में, आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल जाता है। तो देखिए प्रवज्जा संस्कार होता था और जिसका आयु थी 6 वर्ष निर्धारित की गई थी, यानी बालक को जो प्रवेश आयु थी प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा में वो पवज्जा संस्कार के बाद ही होती थी, पहले सबसे पहले पवज्जा संस्कार बालक का होता था। नेक्स्ट है इस संस्कार के बाद बालक के 3 वाक्य, यानी इस संस्कार होता था उसके बाद बौद्ध संघ होता था, संघ के प्रमुख सदस्य होते थे, वो बालक से 3 वाक्य बुलाते जिन्हें हम सर्वत्रयी कहते हैं। तो देखिए यह प्रश्न एज इट इज पूछा गया था कि सर्वत्रयी क्या हैं, तो आपको याद रखना है बौद्ध दर्शन में जो बालक से यानी प्रवज्जा संस्कार के बाद संघ के द्वारा जो 3 वाक्य बुलवाए जाते थे, जिसमें बौद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि, ये 3 वाक्य ही हमारे सर्वत्रयी कहलाते हैं। ये 3 वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? आपके सर्वत्रयी, एज इट इज प्रश्न में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट है गुरु शिष्य को आचरण संबंधी 10 आदेश दिए जाते थे, यानी गुरु क्या करता था, यानी अपने अनुशासन के लिए शिक्षक को 10 आदेश दिए थे जाते थे, और उन्हीं 10 आदेशों को हम 10 शिक्षा प्रदानी कहते थे। आपको याद रखना है 10 आदेश दिए जाते थे, उनका अनुशासन का पालन करना होता था। एज इट इज प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 10 आदेशों को हम कहते हैं तो 10 शिक्षा प्रदानी कहते हैं उन्हें।
और जो 10 सिक्का प्रदानी यानी 10 जो आदेश दिए थे उनका पालन करना होता था, उसे हम व्रत कहते थे। इस व्रत का पालन के बाद बालक को श्रमण या सामनेर कहा जाता था, यानी जब बालक इन 10 व्रतों का पालन करता था उसे उसके बाद श्रमण या सामनेर कहा जाता था। ये भी पूछा जाता है कि प्रवज्ञा संस्कार के बाद, क्योंकि प्रवज्ञा संस्कार था इसी में जैसे ये 10 आपके पद आ जाते हैं, तो प्रवज्ञा संस्कार के बाद बालक को कहा जाता था, एज इट इज प्रश्न पूछा गया था, यानी प्रवज्ञा संस्कार के बाद बालक को कहा जाता था। तो प्रवज्ञा संस्कार के बाद अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो बालक को श्रमण या सामनेर ऑप्शन में आपके मिल जाएगा। अगर श्रमण मिलता है तो श्रमण सही होगा, अगर सामनेर मिलता है तो सामनेर, इन दोनों में से एक आपको ऑप्शन में अवश्य मिलेगा। और नेक्स्ट बिंदु है जो कि महत्वपूर्ण है, कालांतर में बौद्ध दर्शन में, कालांतर समय में यानी धीरे धीरे जब उत्तरावस्था आई बौद्ध दर्शन की, तो उसमें जो बौद्ध दर्शन था जो 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसे हीनयान एवं महानयन नामक 2 संप्रदाय या समुदाय प्रचलित हुए थे। एज इट इज प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि हीनयन और महानयन किस संप्रदाय के थे, तो आपको वो याद रखना है, हीनयन और जो महानयन थे वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे जो कालांतर समय में बौद्ध दर्शन से ही क्या हो गया, विभाजित हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सभी अगर वीडियो पसंद आई है तो सभी शिक्षक साथियों के साथ इसे शेयर करें, क्यों इस बार यूपी टेट 120 पार टैगलाइन के साथ जो महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है, यूपी टेट सुपर टेट जो 80 अंक अर्जित करने की जो तैयारी है, हमारी 80 अंक की तैयारी है, बेहतर रणनीति के साथ तैयार करेंगे आपको, और आपके 1 सीट रिजर्व के लिए बेहतर तैयारी के लिए एकेडमी आपका परिवार आपके साथ रहेगा। इसलिए मित्रों वीडियो और चैनल को सभी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके जितने भी शिक्षक साथी मित्र बंधु हैं उनके साथ शेयर करेंगे वो भी इसका भी लाभ ले सकें, और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की कंटिन्यूस वीडियो आपको सभी क्लासेज की आपको बेहतर वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। नमस्कार साथियों।